हेलो, सबको गुड मॉर्निंग। जय स्वामी नारायण, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आज थोड़ा लेट से ब्लॉग चालू कर रही हूँ। प्रियल देखो खेल रही है इधर लकड़ी लेके। लाओ कर दे तो भाई ने, हाय कर दे तो। हाय हवे जय स्वामी नारायण कर दे तो भाई ने। जय स्वामी नारायण भाई ने कर दे तो। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण कर दे। जय स्वामी नारायण। चलो चोरे की सब्जी बनानी है। ये सूरन को बाफना है, बॉईल करना है। दाल चावल रख दिए हैं, काम स्टार्ट हो गया है। आज भी एक पार्सल आया था, अभी खोल दिया है बेटे ने। पता नहीं अब तो और क्या क्या पार्सल आ जाता है, पता नहीं। पार्सल में आया है ये जो चश्मा होता है ना, उसके पीछे लगाने की ग्रिप। पति देव आएंगे, लगाएंगे तो दिखाएंगे आपको कि कैसे ये काम करता है। जब पार्सल आया तो मुझे लगा क्या आया, खोला तो ये चश्मा जो होता है ना, उसके पीछे लगाने की ग्रिप है ताकि एकदम फिट से वो रह जाए। तो आएंगे तो दिखाएंगे आपको कि क्या मंगवाया, कैसे काम करता है। देखो ये प्रियल यहाँ अकेले अकेले बोल रही है और खेल रही है। चोरे की सब्जी बनानी है, चोरी की तो काट रही हूँ। तो ग्रहण काल शुरू हो गया है, तो अभी तो कुछ काम करना नहीं है। बैठी हूँ कुर्सी पे और सामने टीवी पे हनुमान चालीसा चालू कर दिया है, तो टीवी में चालू रहेगा और साथ साथ में मैं भी बोलती जाऊँगी। तो 6:20 को जब ग्रहण ख़त्म होगा उसके बाद स्नान करके खाना बनाना है और जो भी कुछ पड़ा है वो झाड़ फेंकना ये सब करना है। तो तब तक तो कुछ नहीं करना है, खाली आज काम था पर क्या करें, आज ग्रहण के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। तो बैठी हूँ, अभी ग्रहण ख़त्म होगा, हनुमान चालीसा टीवी में चालू कर दिया है तो वो भी 6:20 को बोल रहे हैं, तो 6:20 के बाद नहाना है और फिर खाना बनाना है। सोचती हूँ आज खाने में कुछ याद नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ, और उसके बाद काम का तो कुछ रहेगा नहीं क्योंकि अभी टाइमिंग चेंज हो गया है, रात हो जाएगी ऐसा लगेगा। तो नहाने के बाद कुछ कर नहीं पाएंगे खाना या बनाने के अलावा। और हाँ, बर्तन और कपड़े जो पड़े हैं वो उसको करना है ठीक ठाक, पर अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ पड़ा है। तो हनुमान चालीसा सुन रही हूँ और साथ साथ में बोल भी रही हूँ, भजन बोलते हैं ना तो इस तरह ही अभी भजन चल रहा है। और बाहर दिखा देती हूँ माहौल कैसा है, आज ग्रहण है ऐसे तो सब लोग घूमते रहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ बाहर निकलना। आज सुबह से थोड़ा काम में थे तो रह गया है, तो अभी तो दोपहर के 1 बज रहे, खाना खाने बैठे हैं, तो यहीं से मैं तो शुरू कर रहा हूँ। देखो ये सूरन है बॉईल किया हुआ, इस पे नमक और मरी छिटक के खाने का है, और ये मग, आज मग ही खाने का है। तो 2-3 दिन से बहुत मिठाई वगैरह खाई जा रही थी तो इसलिए क्या है वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वो भी 2-3 दिन में घटाना है। और चोरे और बटेटे की सब्जी है, आलू की हम बटेटा बोलते हैं, तो वो बनाइए। आप सब लोग भी कमेंट करने का, आज ग्रहण है तो ग्रहण तो सुबह से लग गया है, तो अभी तो हम खाना खाने बैठे हैं, तो ग्राउंड पे नहीं खाना चाहिए पर ये टाइम शेड्यूल ऐसा है इसलिए खाना पड़ेगा। तो दो चल तो मंदिर भी जाना है, ग्रहण है तो उसमें लिखा है 2 बजे से पहले, 2:15 बजे से पहले खा, 2:15 बजे से पहले खा लेने का ऐसा लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 1 बज रहा है तो खा लेंगे। ग्रहण है इसलिए भगवान का मंदिर हमने घर में बंद कर दिया है, तो वहाँ पे भोग नहीं लगाएंगे,
तो आप सब लोग कहने का, थोड़ी थोड़ी सर्दी है इसलिए बीच में खांसी आ रही है, सीजन चेंज हुई ना इसलिए थोड़े गले में भी खारास है। लोग देखते हैं एक दो दिन में ऐसे ही अच्छा हो जाएगा तो कोई दवा नहीं लेने की है, नहीं तो दवा लेने जाना पड़ेगा, ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसमें ना तो कफ बोलते ना कफ जैसा गले में हो गया है, देखते हैं दो दिन में ठीक हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसे तो ज्यादा मैं दवाई नहीं लेता हूँ, लेता हूँ तो बहुत सारी हो जाती है, ऐसा होता है तो देखते हैं। गुड़ दे दो, इसमें मसाला किया जा रहा है मग में, मिर्ची पाउडर, हींग पाउडर, थोड़ा धनिया जीरा पाउडर और हाँ एक और हम स्पेशल मसाला यूज करते हैं वो भी आने वाला बाकी है, वो भी डालेंगे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे, उसके बाद खाएंगे। ये अभी पापड़ सेक के आ गए हैं ओवन में, वो क्या बोलती हूँ, मसाला इसमें भी डाल देना, वो सीक्रेट सीक्रेट मसाला इसमें। हाँ देखो हमारे घर का सीक्रेट मसाला है, सब दुकान वाले और सब दारी वाले हमारा सीक्रेट मसाला है। तो चलो सीक्रेट मसाला आ गया है, छिटक लेते हैं, खाना खाने बैठ जाते हैं, सब कुछ तैयारी हो गई है, पापड़ भी सेक के आ गए हैं, तो चलो खाना खा लेते हैं, बाद में मिलते हैं। देखो दोपहर के 2 बज रहे हैं, प्रिया लाई है घर पे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी आज थोड़ा सा ठीक है, आई तो हंस रही थी, देखो हाय कर दे बेटा, हाय हाय कर दे, हाय प्रिया लाई करो, हाय कर प्रिया, हाय कर दो, हाय हाय कर दे। देखो अभी उसको ये उसका जो फ्रॉक बोलते ना, फ्रॉक ही मुंह में लेने का है, ऐसे तो रुमाल लेती है तो जो भी हाथ में है ना वो ले लेती है, सामने देखती है, देखो मैं बोल रहा हूँ तो अभी ये खेलेगी थोड़ी देर, ना तो के फ्रेश होके आई है, बच्चों का तो कोई शेड्यूल होता नहीं है, जब उठे तब सुबह, जब सोए तब रात, देखो मम्मा, देखो कैसी प्यारी लग रही है, देखो हाय कर दे, दिख रहा हाय हाय कर दे, जय स्वामीनारायण, ये देखो हाउकी कर रही है, हाउकी। कल मेरे लिए तो स्पेशल दिन है, देखते हैं किन किन लोगों को याद रहता है मेरा स्पेशल दिन। चलिए तो ये वीडियो कल आएगा तब तक तो वो मेरा दिन शुरू हो जाएगा, मतलब जो स्पेशल वाला दिन होता है वो, तो देखती हूँ बाप बेटे में से किन किन को मेरा कल का स्पेशल दिन याद रहता है, और सब किसी किसी को याद रहता है या नहीं रहता है, किसी को विश देने से या नहीं देने से कुछ होता नहीं है, पर हमको थोड़ा ऐसा लगता है कि हम भी कुछ है, हमको भी किसी ने याद किया। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कुछ स्पेशल दिन के लिए कुछ दे दिया, ले लिया या फिर विश कर दिया, इससे कुछ होगा, ये तो हम हमारी मन की तसल्ली के लिए ऐसा सोचते हैं, पर क्या करें, सबकी याद शक्ति अच्छी नहीं होती है ना मेरी तरह। तो देखते हैं कल किन किन लोगों को याद रहता है मेरा स्पेशल डे। चलिए फ्रेंड, तो 7:15 बज रहे हैं और ग्रहण का बोलते हैं ना जो छूट गया, ग्रहण काल ख़त्म हो गया, तो नहा लिया, बाल बाल धो लिए, सब खत्म हो कर मतलब सब कुछ साफ कर लिया, दोपहर का जो सब पड़ा था पानी वानी सब निकाल दिया है, नहा लिया है, बाल भी धो लिए हैं और अब थेपले की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए इसमें गेहूं का आटा लिया है और 2 चम्मच बाजरे का आटा लिया है, और ये आज मेथी वाला बना रही हूँ तो मेथी को भी भिगो दिया है, और मैं है ना थेपले का आटा जो भी हो, चाहे गेहूं और बाजरे का हो या सिर्फ गेहूं का हो, मैं उसमें 2 या 3 चम्मच दही डाल के ये आटा गूंथती हूँ, तो बहुत सॉफ्ट और मस्त बनते हैं थेपले। आप भी एक बार ट्राई करना दही डाल के थेपले का आटा गूंथने के लिए,
तो चलिए आटा गूंथ लेती हूँ और फिर देख बनाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ आपको कि कैसे। तो आटा गूंथना तो सिंपल है, थोड़ा बाजरे का आटा डाला है, गेहूँ का आटा है, डालूँगी मेथी भिगोई है वो डालूँगी, और हल्दी, नमक, हींग और काला मरीच जो पाउडर होता है ना वो डालूँगी। तो इन सब डाल के मैं आटा गूंथ लेती हूँ और उसके बाद थेपले बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनते हैं। तो चलिए, आज ग्रहण था तो शाम का कुछ काम किया ही नहीं, बैठी थी क्योंकि ग्रहण छूट जाए है, नहा लूँ उसके बाद सब करना है। कपड़े और बर्तन भी पड़े हैं अभी, तो वो पहले आटा गूंथ लेती हूँ, बाद में वो करूँगी, फिर थेपले बनाऊँगी। बन गए ये दोनों राधा है, देखो उधर खेल रही है, छोटी बड़ी राधा खेल रही है, और ये मेरे मेथी के थेपले रेडी हो गए। चलो इस चीज को खाना है, मेथी के थेपले। वो आ जाओ देख के, दही वाले ऐसे मस्त सॉफ्ट बनते हैं, दही डालती हूँ ना, और हमारे घर में ज्यादातर सबको सॉफ्ट ही पसंद है, थोड़ा वो कड़कपन वाला हो जाता है ना तो नहीं आता। देखो ये दोनों राधा है, खेल रही है, कैसे खा रही है, खेल रही है, खाना खाने बैठ गए हैं। रियल आई है, देखो घुंगरा कैसे खा रही है, और देखेगी, देखो प्रिया, देखो कैसे पूरा मुंह में ठूस के खा रही है। घुंगरा बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद है। तो आज तो ओट्स बनाए हैं, आलू की सब्जी की दस आई है, ये मेथी वाला थेपला है, ये घर पे बनाया है, और ये चाय, चाय के साथ थेपला, ये खाया जा रहा है। और प्रियल इधर देख रही है, देखो हाय कर दे प्रियल, हाय हाय कर दे, ना क्या को घूम रुखाई ले अपन, हाय नहीं कर, देखो कैसे देख रही है सामने, उसको भूंगरा बहुत पसंद है, भूंगरा देखती है ना तो हाथ में से ले लेती है। देखो ये भूंगरा है, ये ना करे वो हाथ में रखे, और तो अच्छे बेर पकड़े ले, देखो हमरा वो नीचे मुके नौ ले ले, देखो ये ले लिया, ये पूरा ना छोड़ दिया, भूंगरा देखेगी तो ले लेगी, तो हंस रही है, देखो नया भूंगरा आया ना, हंस रही है, कुछ नहीं खाएगी, उसको पता चलता है, थेपला भी नहीं खाती है, कुछ नहीं खाती है, भूंगरा ही खाएगी। तो चलो हम खाना खा लेते हैं, बाद में बाहर घूमने जाना है आज, तो बाहर का व्यू दिखाएंगे आपको। देखो आज इसका बर्थडे है, तो यहाँ पे केक रखी है, सामने वो बैठी है, है? है? बर्थडे नो गिफ्ट क्या बनाने वाला है? गिफ्ट का ही नो है, गिफ्ट शू है, परम दीपी था, कुछ गिफ्ट नहीं है, जाना बीजो याद, परम दीपी था, परम दी आओ सर, काल है नहीं, परम दी गुरु, परम गुरुवार है, कहाँ गुरुवार, गुरुवार को आएगा तब देखना, उसके पहले तो नहीं दिखाएंगे। हाँ चलो, तो अभी केक कटिंग शुरू करेंगे, तो कंटिन्यू करो, रेड वेलवेट ढीली छो તું બીજું તું
थेपला शाम को ज्यादा खा लिए तो केक खाने में दिक्कत हो रही है। देखो गोबर जेमी ना जे मजा ना। हाँ काई वांदो नहीं, खाई हुई जाऊ छन पाछु तो जे खाई हुई जाऊ पाछु तो जे देखो अभी ये छोटा बच्चा आ रहा है दक्ष वो सोया हुआ था तो केक खाने के लिए ही उठा है। तो देखो कैसा कॉम्बिनेशन है, ये सब लोग तैयार होके आए हैं और ये बर्थडे वाला जो है ना वो नाइट ड्रेस में है। મારું કામ થઈ જશે देखो देखो ये शाम को नाई है, अब दो बेरा नाना का नहीं होगा मुंह धो लेने का। अरे बस केक थी नहीं મને કેક કેક કરી નાખી બસ હવે